चलो ये स्क्वायर है। अब देखो इसमें मासेज इक्वल नहीं है यार, ठीक है, अभी तक मासेज क्या थे, इक्वल है। इसको ट्राई करो, देखो खुद करो। वीडियो पॉज करो। और ये इसके स्क्वायर के सेंटर पे नहीं आएगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है, बिकॉज मासेस अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसमें तो अगर मासेस अलग अलग हैं तो चलो ये जो मास है ये सभी का मास ये 1 kg, 2 kg, 3 kg और ये 4 kg, 1, 2, 3, 4 kg। सब स्क्वायर की जो लेंथ है वो 1 मीटर है, स्क्वायर की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। तो अब मुझे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अगर निकालना है, लोकेट करना है, तो समझना सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा। तो इसका कोऑर्डिनेट 1, 0 हो गया, इसका कोऑर्डिनेट 0, 1 हो गया, ये 0, 0 पहले से था, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1, और वाई भी आ गया 1, ठीक है। तो इसका जो एक्स सी एम आएगा, एक्स सी एम ओरिजिन वाले पे लिखो, ओरिजिन का मास 1 kg है और ये चला गया 0, इसका एक्स मास 2 kg है और मल्टीप्लाई कर दूं 1 से, ठीक है। और इसका मास कितना भैया, इसका मास 3 kg, 1 से मल्टीप्लाई कर दूं 3, इसका मास कितना है 4 kg और 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 आ गया। कुल मिला के कितने हो गए, 4, 3, 7, 7, 7, 3, 10, ठीक है। तो ये 10 kg, तो कुल मिला के 5 by 5 by 10 इज इक्वल टू, मतलब 1/2, ठीक है। तो 1/2 पे जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो 1/2 पे आएगा, तो 1/2 मतलब इस लाइन का मिड पॉइंट, यहीं पे कहीं पे 1/2 पे आएगा एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का। चलो वाई देख लेते हैं, तो वाई वाई सी एम कितना आ जाएगा, तो इसका गया वाई 0, इसका गया वाई 0 क्योंकि ये वाई एक्सिस पे था ही नहीं, और इसका वाई गया 3 × 3 × 1, और इसका गया 4 × 1 इज इक्वल टू 10, मतलब ये आ जाएगा 7/10। देखो ये 1/2 पे नहीं आया, ये आया भाई 7/2 पे, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ मास आएगा अगर ये, अगर मैं ऐसे डिवाइड करूँ, तो ये स्क्वायर का सेंटर है, ठीक है, तो ये स्क्वायर का सेंटर है, तो ये 0.7 आया, ठीक है। तो ये 0.7 सेंटीमीटर, और ये जो है 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 इसका आधा और 0.7 थोड़ा सा इससे ज़्यादा, मतलब आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब इधर 2 और 3, मतलब इधर कहीं सेंटर ऑफ मास आएगा, समझना, इधर कहीं सेंटर ऑफ मास आएगा क्योंकि इधर थोड़े मासेस ज़्यादा है, ठीक है, इधर ये मासेस ज़्यादा हैं तो सेंटर ऑफ मास इधर कहीं आएगा, ठीक है, आ गया समझ में।